मॉर्निंग, मैं सेल्फ शिप्रा बोल रहा हूँ फॉर क्लास 4। आज मैं आपको दशहरा के उपलक्ष्य में एक वीडियो दिखा रही हूँ जिसमें कुछ क्राफ्ट बनाएंगे हम लोग। आपको घर में ही बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी उसको बनाने के लिए, तो इसमें बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन एक डांडिया डॉल तैयार हो जाएगी। उसके लिए हमको एक ऐसी शीट, प्लेन शीट चाहिए, ऐसी प्लेन शीट चाहिए, और उसके पीछे चिपकाने के लिए, उसको हार्ड करने के लिए आपकी कॉपी के पीछे ऐसा एक जो हार्ड सा रहता है वो कवर मिल जाएगा, उसको वो एक चाहिए। कुछ स्केच पेंस चाहिए, स्टेपलर चाहिए, पेंसिल, कैची, और एक जो रैपर होता है जो कि ट्रैप करते हैं, एक शीट चाहिए। बस थोड़ा सा अभी इसी को लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कैसे ये प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ ड्रॉ करेंगे। देखिए इस शीट में ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, आप थोड़ा पास में देखिए। देखिए मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, एक डांडिया गर्ल को ड्रॉ कर रही हूँ। आप किसी सर्किल के थ्रू भी कर सकते हैं, कुछ सर्किल ले लीजिएगा और उसके थ्रू भी ये कर सकते हैं। इस तरह हम इसका चेहरा बहुत सुंदर सा ड्रॉ करेंगे। देखिए आपको समझ आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा ये कैसे ड्रॉ किया हुआ है। और उसके बाद हम इसका पूरा सब ड्रॉ करेंगे, एक डांडिया गुड़िया की तरह। Just draw it. आप इसमें अपने ही कलर भर सकते हैं, जो आपको कलर बहुत सुंदर लगेगा वो कलर आप भर सकते हैं इसमें। इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। इसके लिए एक सुंदर सा बिंदी बना ली, इसके लिप्स बना लिए। आप अपनी तरह से सुंदर सा बनाने की कोशिश करिएगा, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें। और इस तरह से ये इतना सा पोर्शन बस बनना है। ये देखिए इस तरह से ये एक डांडिया डॉल तैयार हो गई। देखिए बहुत सुंदर लग रही है ना। अब हम इसको ऐसे ही कलर करेंगे तो वो और सुंदर लगेगी। इस तरह से हमने कलर करके ऑलरेडी पहले से तैयार करके रखी है ये डॉल को, मैंने पहले से ही थोड़ा सा कलर करके रखा हुआ है। यू जस्ट सी उस ब्लैक कर दिए यहाँ पे, और मैंने कुछ देखिए ये कलर्स यहाँ पे थोड़े से रंग बिरंगे लिए हैं, अपनी शीट के अकॉर्डिंगली थोड़े से कलर मैच किए हैं। ये देखिए इस तरह से कलर मैच किए, इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। चूड़ियों के नीचे जो आजकल झालर चली है यहाँ पे आस्तीनों में चली है, और इस तरह से पिंक रेड कलर के मैंने उसको ये आँखों को मैंने ब्लैक किया है ये यहाँ पे। और इस तरह से सुंदर सा आप ऐसे कुछ भी पैच बना सकते हैं, पोल्का डॉट्स। देखिए इसको थोड़ा सा मैंने लंबा इसलिए किया है क्योंकि अभी जब नीचे फ्रॉक या उसका लहंगा टाइप बनाएंगे ना तो उसमें वो स्टिक हो जाएगा। तो अब देखिए आप, हम लोग क्या करते हैं, एक शीट को ऐसे करके कट कर लेते हैं। इस शीट को इतना पोर्शन में कट करते हैं, सिर्फ इतना पोर्शन में कट कर लेते हैं। ये इतना सिर्फ ये पोर्शन हमें चाहिए, ये पोर्शन।
इतना पोषण हमें चाहिए कि ये हमारी डॉल के जो ये हमारी डॉल है वो यहाँ से इतना पोषण हमको चाहिए, बस ये इतना पोषण है, इतना, ये देखिए इतना, इस डॉल के इतना पोषण है बस, इससे ज़्यादा ना रहे। तो उसके बाद हम ऐसे जैसे पैन बनाते हैं, देखिए मैंने बना के रखा हुआ है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ये जैसे बच्चों बच्चे लोग पहले फैन बनाते हैं, ये देखिए ऐसे 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 यूं 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 करके बनाते थे ना हम लोग, तो बच्चे आपको छोटे थे ऐसे फ़ैन मैम बनाना सिखा दी थी। इस तरह से मैंने फ़ैन बना लिया है, बस उसी को हम डॉल का लहंगा बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम स्टेपल भी कर सकते हैं, ये ऐसे लिया, ये ऐसे लिया, फिर इसको ऐसे, ठीक। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। इसमें स्टेपलर की मदद से हम पहले थोड़ा सा, देखिए स्टेपलर की मदद से हम थोड़ा सा यहाँ पे स्टिक कर देंगे इसको, ये जो पेट है थोड़ा सा दिखाई पड़े ऐसा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा आ गया, बेस बन जाएगा थोड़ा सा। और फिर मैंने इसको कवर को पीछे की तरफ से ले लिया है, इसलिए थोड़ा ऐसा आ जाए, ठीक है बच्चों। थोड़ा बड़े की मदद ले लीजिएगा क्योंकि स्टेपलर पेन थोड़ा आपके हाथ में ना लग जाए, ये ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। ये भी छोटे ही हैं इसलिए स्टेपलर वगैरह लगाने के लिए अपनी मम्मी की हेल्प ले लीजिएगा थोड़ा सा। इस तरह से हम ऐसे ये डॉल का ये बन गया, देख रहे हैं आप, ऐसे डॉल ने लहंगा पहन रखा है ना, उसके ब्लाउज के साथ मैच कर रहा है। तो उसके बाद हम एक छोटा सा कोई डिफरेंट टाइप का कपड़ा ले लेंगे, ऐसे डॉल जो बन गई है, एक ये कपड़ा, इवन कपड़ा भी नहीं, एक ऐसे करके हम कागज़ थोड़ा डिफरेंट कलर का ले लेंगे, जिससे कि हम उसकी कमर की जो पेटी है ना उसको बनाएंगे। ऐसे सीजर से इसको काट लेंगे, सीजर से हम उसको काट लेंगे और ऐसे करके, ये देखिए बच्चों, ये देखिए थोड़ा सा पतला कर लिया है जिससे कि देखने में खराब ना लगे। और उसके बाद यहाँ पर उसको स्टिक कर देंगे यहाँ से, ये देखिए ये हम ऐसे स्टिक करेंगे जिससे कि वो लगे जैसे बेल्ट टाइप का कुछ। हाँ तो ठीक, इसको यहीं पे कॉर्नर पे, इसको हम यहाँ कॉर्नर पे एक स्टेपल कर देंगे, ऐसा स्टेपल करेंगे कि ज़्यादा दिखाई ना पड़े। फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अटेंडिंगली फेविकॉल को चिपकने में थोड़ा वक्त लग जाता है, इसलिए हम सर्स डॉल बन गई है। लेकिन ये डॉल में कुछ चीज़ें बाकी हैं, कुछ लग रहा है ना, कुछ काली पर, तो इसके लिए हम आई चुनरी, जो डांडिया गर्ल है वो हमेशा चुन्नी, चुन्नी का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। उस जिस जो लहंगा है, जिसका घाघरा है, उसी की वही कागज़ यूज़ करते हैं, थोड़ा छोटा ऐसे करके। मैंने क्या किया है देखिए, मैंने ऐसे इतना पतला कागज़ लिया है और इसको टू फोल्ड कर लिया है जिससे कि चुन्नी का बेस बना सकते हैं हम इसका। हमारी डांडिया गर्ल, थोड़ा सा और भी इसको सजाने के लिए हम कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं। देखिए जैसे मैंने एक छोटा सा ग्लिटर का ले लिया है, इसको मैंने कट कर दिया है, देखिए गोल सा कट कर रही हूँ। एक्चुअली कपड़ों में तो इसने सुंदर बना लिया है, लेकिन अब थोड़ा बालों का भी कुछ चीज़ें लगा लें
तो वो सुंदर लगेगी आई होप। ये बड़ा हो रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर दे, ऐसे गोल से कट कर लीजिएगा। यदि आप कैची का यूज़ नहीं कर सकते हैं इजीली, तो आप कैची मत ही यूज़ करिएगा। आप अपने पेरेंट्स से या अपनी कोई बड़ी दीदी हो उनकी मदद ले सकते हैं। सो हमने यहाँ पे फेविकॉल का यूज़ किया है, और इसके पीछे वैसे स्टिक वाले भी मिल गए हैं। आपके पास स्टिक वाला हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ऐसे करके। लुक एट दिस, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल आई थिंक। या अब चाहिए डांडिया। सो डांडिया के लिए आप कोई दो छोटी छोटी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। हम कागज़ से ही, जो हमने कागज़ दिया है इसी का यूज़ कर लेते हैं। जैसे इसको रोल कर लेते हैं, कागज़ को यूँ रोल कर लेते हैं ना थोड़ा सा। कुछ इसका पानी तो मैंने लिया नहीं, तो मैंने फेविकॉल का यूज़ किया जिससे कि थोड़ा सा रोल हो जाए। ऐसे रोल कर लिया, स्टिक कर दिया मेरे पास, और इसको यहाँ पे पकड़ा देंगे। एक ये स्टिक किया है, एक इसमें और डिफरेंट कलर की हम डांडिया यूज कर लेते हैं। खाती हूँ मैं, दो डिफरेंट डिफरेंट कलर की मैंने यूज़ कर रही हूँ। सेम कलर की हो जाएगी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए थोड़ा रंग बिरंगा होना। गुजराती लोग बहुत रंगों का यूज़ करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर की डांडिया होगी तो वो सुंदर लगेगी। डांडिया को स्टिक कर दिया है, देखिए ये देखिए ये कितनी सुंदर लग रही है, एकदम डांडिया वर्क। ये है हमारी डांडिया डॉल, इसे हमने नाम दिया है डांडिया डॉल। जो नवरात्र के समय डांडिया होती है तो ये उसी का है। ये क्राफ्ट आइटम आप अपने घर में जो भी आपके पास जो गिफ्ट मिलता है आपको, वो रैपर आप लोग फेंक देते हैं क्या? अगर नहीं फेंकते हैं उसको तह करके रख लिया कीजिए। तो देखिए ये कितना सुंदर, बस उन्हीं सब रैपर से भी बन सकता है। इसके पीछे मैंने आपको दिखाया था ना, स्कूल की कॉपीज़ होती हैं जो उसका हार्ड कवर होता है सामने, उसको स्टिक किया है। ब्यूटीफुल डांडिया। सो हैप्पी दशहरा ऑल ऑफ यू। Thank you.